तो संगम नगरी में पीएम मोदी आज जनसभा करेंगे। प्रयागराज प्रतापगढ़ की 19 सीटों पर संयुक्त रैली पीएम की होनी है। अमेठी में भी एक जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेठी सुल्तानपुर की सभी सीटों पर उनकी नजर है। 27 फरवरी को पांचवें चरण के लिए मतदान होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही अनुप्रिया पटेल भी जनसभा में शामिल होंगी। अपना दल जो कि गठबंधन में है वो भी इसमें पूरी तरह से भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अखिलेश के साइक्लोन प्लान की। अखिलेश यादव प्रयागराज प्रतापगढ़ में जनसभाएं करेंगे। प्रयागराज की 12 सीटों पर बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार। प्रयागराज में कार्यकर्ताओं से भेंट भी वे करेंगे, साथ ही प्रतापगढ़ में रैली करेंगे और प्रतापगढ़ की सभी सीटों पर उनकी नजर रहेगी। इसके अलावा फूलपुर में कार्यकर्ताओं से सम्मेलन भी उनका शामिल है। तो ये अखिलेश यादव और पीएम मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको बता रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में जहां कड़ी टक्कर चल रही है और सभी चरणों में जहां ये टक्कर देखने को भी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं यूपी में। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है बयान तीखे होते जा रहे हैं। कल पांचवें चरण के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साइकिल बम वाला अटैक किया, तो वहीं अखिलेश ने 22 में साइक्लोन लाने का दावा कर हड़कंप मचा दिया। यूपी की चुनावी लड़ाई वैसे तो योगी वर्सेस अखिलेश के बीच है, लेकिन पांचवें दौर में माहौल ऐसा सभी बना रहे हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सीएम योगी हो, अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो, सभी ने मुकाबला कड़ा कर दिया है। भारत माता की, तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे। करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है सपा मुखिया की जमानत जब्त कर। आप मुख्यमंत्री, आपका सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते होंगे। पांचवे दौर की लड़ाई, महारथियों की चढ़ाई, आएंगे तो योगी ही। कैसे ही सरकार में आए। बाराबंकी से कौशाम्बी तक प्रधानमंत्री मोदी की ललकार, परिवारवाद पर किया तूफानी प्रहार। परिवार वाले नहीं है लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। 22 की जंग में अखिलेश का साइक्लोन वाला संदेश। लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइक्लोन आ रहा है। अमेठी से रायबरेली तक योगी की हुंकार। समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। पांचवे दौर की अग्नि परीक्षा, प्रियंका ने ली प्रतिज्ञा। ये नहीं चाहते आपका विकास, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का विकास चाहते हैं। यूपी में चार दौर की लड़ाई खत्म हो गई है, अब सबकी नजरें पांचवें दौर की लड़ाई पर टिकी हुई है, जिसके लिए राजनीति के महारथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मैदान में आ गए। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो रैलियां की, पहली बाराबंकी और दूसरी कौशाम्बी में। इन दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए। हम परिवार वाले नहीं है लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। तो अखिलेश यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। अखिलेश यादव ने बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा में धुआंधार प्रचार किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है, साइकिल की वो रफ्तार है कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइक्लोन आ रहा है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो,
तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। सियासत का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा अमेठी में देखने को मिला, जहां सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साइकिल बम से वार कर सूबे की सियासत को गरमा दिया। यो बेनो, क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? 2019 में जिस अमेठी रूपी किले को भाजपा ने जीत लिया था, अब उसे फिर से अपने पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतर आई। बुधवार को प्रियंका ने अमेठी की सड़कों पर रोड शो निकाला तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए, आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। आपको बता दें, पांचवें चरण में 11 जिलों की 61 सीट पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें अमेठी के साथ साथ अयोध्या और प्रयागराज जैसे जिले भी शामिल हैं, जिसके जरिए आने वाले चरणों की हवा बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।